नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज़ चक्रधरपुर में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि जानकारी है, कमलदेव गिरी हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा आहूत बंद आज व्यापक रूप से असर देखा जा रहा है और आज भी पूरा शहर समेत कराईकेला, गोलकेरा, सोनवा से जो खबरें आ रही है उस क्षेत्र में भी सभी दुकानें बंद है, वाहनों का आवागमन बंद है। आप सीधा प्रसारण ब्रेकिंग न्यूज़ चक्रधरपुर में देख रहे हैं, पवन चौक से लाइव हैं और आज भी बंद है, शांतिपूर्ण माहौल में बंद है और रेप समेत विभिन्न पुलिस बल भी यहां तैनात है। अब बाटा रोड का ये नज़ारा है जहां आप देख रहे हैं पूरा इलाका सुनसान है और चारों ओर पुलिस बल भी तैनात है। चक्रधरपुर शहर जैसे इतवारी बराज, भारत भवन, पवन चौक समेत सभी इलाके में दुकानें जो है स्वतः बंद है और सभी जगह पुलिस बल भारी संख्या में तैनात आज कर दी गई है। कमलदेव गिरी की भारत भवन में अपराधियों द्वारा बम मारकर हत्या किए जाने के बाद से ही शहर में तनावपूर्ण माहौल की स्थिति थी। कल से स्थिति नियंत्रण में है, हालांकि अभी भी अंदर अंदर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, परंतु पुलिस और प्रशासन की चौकसी से स्थिति नियंत्रण में है। कल एसपी डीसी साहब ने भी यहां जो है पहुंचकर चक्रधरपुर में लोगों से अपील किए हैं कि शांतिपूर्ण माहौल बनाने में सहयोग करें, अफवाह पर ध्यान ना दें और किसी तरह की भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हर हाल में सहयोग करें। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ चक्रधरपुर में, पवन चौक समेत आसपास इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। भारत भवन जहां घटना हुई है, कमलदेव गिरी की जिस स्थान में बम मारकर हत्या की गई थी उस क्षेत्र में भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और सभी इलाके में जैसे आज बंद का आह्वान किया गया है, चारों ओर सुनसान है, बंद है, सभी दुकानें बंद है। सोनवा, गोइलकेरा, कराईकेला से भी जो खबरें आ रही है उस क्षेत्र में भी व्यापक रूप से बंद का असर देखा जा रहा है। चाईबासा में भी बंद का आह्वान किया गया है, वहां भी बाजार जो है बंद है। चक्रधरपुर शहर की बात करें तो पूरा शहर, चाहे पवन चौक, बाटा रोड, कपड़ा पट्टी, तंबाकू पट्टी, इतवारी बाज़ार, रेलवे स्टेशन परिसर, रेलवे स्टेशन के बाहर का इलाका, सभी इलाका बंद है और सभी स्थानों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। रेल क्षेत्र में रेल सुरक्षा बल भी मौजूद है और आप देख रहे हैं बंद दुकानें जो है बंद पड़ी हुई है।